हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस फर्स्ट ईयर टू। ये लेसन को आप लोग अंत तक देखिएगा। इस लेसन के अंत में इस लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को आप अपने से बनाइए और उसे फेयर कीजिए और उसे रिमेम्बर कीजिए। चैप्टर वन, द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। दिस चैप्टर कवर्स अबाउट कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंपैरिजन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए मैन। अबाउट कंप्यूटर, द कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट व्हिच मीन्स टू कैलकुलेट। यानी आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड कंप्यूट से मिलकर बना है, जिसका मतलब है कैलकुलेशन करना, गणना करना। एक कंप्यूटर स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक खास तरह की विद्युत पर चलने वाली मशीन है जो जिसका यूज ऑलमोस्ट इन फील्ड, यानी हर फील्ड में, हर क्षेत्र में किया जाता है। कंप्यूटर्स आर यूज टू परफॉर्म सेवरल टास्क दैट हैव मेड आवर लाइफ इजियर। यह हमारे सारे वर्क को पूरा करता है और हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाता है। टुडे कंप्यूटर आर यूज्ड एवरीवेयर सच एज इन स्कूल्स, होम्स, शॉप, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट एक्सेट्रा। वी आर वेरी मच बेनिफिटेड बाय कंप्यूटर्स इन राइटिंग, लर्निंग, पेंटिंग, वॉचिंग मूवीज, लिसनिंग सॉन्ग्स, डिजाइनिंग एक्सेट्रा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच यूजर इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। कंप्यूटर विद्युत पर चलने वाली एक ऐसी मशीन है जो हमारे काम को पूरा करता है। इट कम्स इन वेरियस साइज एंड शेप्स। आज फॉर प्रेजेंट समय में यह बहुत ही साइज और शेप्स के मिलने लगे हैं, हम अपने आवश्यकता अनुसार उसको कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज टू डू डिफरेंट वर्क्स। हमारे बहुत सारे के कार्य करने के लिए, वर्क करने के लिए उसकी साइज और शेप्स अलग अलग होते हैं, उसके टाइप्स भी अलग होते हैं। जस्ट लाइक देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर व्हिच इज केप्ट ऑन द टेबल। डेस्कटॉप जो होता है एक ऐसे कंप्यूटर है जिसकी शेप एंड साइज थोड़ा बड़ा होता है और वो टेबल पे फिक्स रहता है। इट इज नॉट पोर्टेबल। इसे हम कहीं भी ले जा सकते नहीं ले जा सकते बिल्कुल। इट कैन नॉट बी मूव्ड और कैरीड इजीली, क्योंकि इसे कहीं भी आसानी से ले जाना संभव नहीं है। इट इज आल्सो कॉल्ड ए पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि एक ही पर्सन एक सिस्टम पर एक बार बैठ करके वर्क कर सकते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म पीसी भी है। नेक्स्ट, लैपटॉप कंप्यूटर। दिस इज लैपटॉप कंप्यूटर। यू कैन कीप इट इन योर लैब एंड वर्क। लैपटॉप कंप्यूटर जो होता है उसको अपनी लैब यानी अपनी हथेली पर भी, अपने हाथ पर भी, अपने बैग में भी कहीं पर ले जा सकते हैं। इट हैज बैटरी। इसमें एक बैटरी होता है जो इसके अंदर इंगित रहता है, इसके अंदर अटैच रहता है। यू जस्ट नीड टू चेंज इट्स बैटरी लाइफ योरसेल्फ। जिस तरह आप अपनी बैटरी को चेंज कर सकते हैं, इस लैपटॉप की बैटरी भी चेंज कर सकते हैं। इट इज पोर्टेबल। ये जो होता है ये पोर्टेबल होता है, इसे आप कहीं भी ले आ सकते हैं, ये बहुत आसान होता है ले जाना। इट कैन बी टेकन एनीवेयर इजीली। ए लैपटॉप इज आल्सो कॉल्ड ए नोटबुक कंप्यूटर। लैपटॉप को हम नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। पॉमटॉप कंप्यूटर। पॉमटॉप कंप्यूटर इज स्मॉलर देन ए लैपटॉप। इन पॉमटॉप कंप्यूटर जो होता है लैपटॉप कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है, जिसको हम हथेली पर रख करके भी आप अपनी वर्क को पूरा कर सकते हैं। इट कुड बी केप्ट इवन इन योर पॉकेट। इसे आप अपने पॉकेट में भी ले आ सकते हैं। इट हैज ए बैटरी इनसाइड इट। इसके अंदर भी बैटरी लगी रहती है। वंस इट्स बैटरी इज चार्ज्ड,
अगर एक बार आप चार्ज कर लेते हैं बैटरी को, यू कैन टेक इट एनी वेयर इजिली एंड वर्क ऑन इट, और इसे आप कहीं भी ले आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। कंपेरिजन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए मैन। ए कंप्यूटर कैन कंप्लीट लॉन्ग कैलकुलेशंस इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बट फॉर ए मैन इट मे टेक फ्यू मिनट्स और इवन आवर्स। एक कंप्यूटर जो होता है आपकी कैलकुलेशन करने के लिए, आपका वर्क करने के लिए एक सेकेंड में बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क कर सकता है, बट जब आदमी काम करता है, जब मनुष्य काम करता है, तो कुछ दिन काम, कुछ समय काम करने के लिए उसे आराम करने की आवश्यकता होती है, वो ज़्यादा देर काम नहीं कर सकता। ए मैन कैन वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बट ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। एक मनुष्य बिना बिजली के भी काम कर सकता है, लेकिन एक कंप्यूटर बगैर बिजली का काम नहीं कर सकता। ए कंप्यूटर इज ए मशीन, सो इट हैज नो फीलिंग। कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए इसमें कोई फीलिंग नहीं होती। बट ए मैन इज ब्लेस्ड विद फीलिंग्स एंड इमोशंस, लेकिन एक मानव जो होता है जिसमें फीलिंग्स और इमोशंस दोनों होते हैं। ए कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड एंड बोर्ड इवन आफ्टर वर्किंग। एक कंप्यूटर जो होता है कभी थकता नहीं है जब वो ज़्यादा वर्क कर लेता है, ना ही उसे कभी बोर फील महसूस होता है। बट ए मैन गेट्स टायर्ड एंड बोर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर जस्ट ए फ्यू आवर्स। लेकिन मानव जो होता है कुछ समय वर्क करने के बाद उसे बहुत ही थकावट महसूस और बोर फील महसूस होने लगता है। ए मैन मे फॉरगेट इन्फॉर्मेशन दैट ही मेमोराइज्ड। एक आदमी जो होता है अपनी इन्फॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में बहुत ज़्यादा दिन तक सेव करके रख सकता है, बट ए कंप्यूटर नेवर फॉरगेट्स द इन्फॉर्मेशन स्टोर इन द इट्स सीपीयू। लेकिन एक कंप्यूटर अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखता है, लेकिन मनुष्य की तरह नहीं, उसे एक स्टोरेज डिवाइस में सेव करके अगर रखा जाए तो, और यह सीपीयू के अंदर रहता है। एक कंप्यूटर वर्क्स विथ हाई एक्यूरेसी, बट ए मैन ऑफ्टन मेक्स मिस्टेक्स। एक कंप्यूटर जो होता है वह एक कंप्लीट गणना करता है, कभी गलती नहीं करता है, लेकिन ए मैन ऑफ्टन मेक्स मिस्टेक। लेकिन मानव हर हमेशा कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते रहते हैं। बट इन सम वेज ह्यूमन बींग्स सुपीरियर टू कंप्यूटर्स। कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे रास्ते हैं जिसमें कि मानव हर हमेशा कंप्यूटर से क्या होता है, सुपीरियर होता है, कंप्यूटर से क्या होता है, बड़ा होता है। अब किस वे में है, आइए इस वे को देखते हैं। ह्यूमन बींग्स आर ब्लेस्ड विथ ब्रेन। ह्यूमन्स के पास जो होता है ब्रेन होता है, दिमाग होता है, सोचने की क्षमता होती है, जो कंप्यूटर के पास नहीं होता है। सो दे हैव पावर टू थिंक, इसलिए उसके पास क्या होता है, सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है। ह्यूमंस डू नॉट यूज इलेक्ट्रिक सप्लाई टू वर्क। कंप्यूटर ह्यूमन जो होता है वह बगैर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई का चल सकता है, बट कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कंप्यूटर जो होता है क्या होता है, वह रन्स इलेक्ट्रिसिटी पर रन करता है, बगैर विद्युत का नहीं चल सकता। ह्यूमंस कैन टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। मानव जो होता है अपना खुद डिसीजन खुद ले सकता है, बट ए कंप्यूटर कैन नॉट, लेकिन कंप्यूटर अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता। ह्यूमन बींग्स वर्क ऑन देयर ओन। ह्यूमन जो होता है, मानव जो होता है अपना काम खुद कर सकता है, बट ए कंप्यूटर वर्क्स एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन ह्यूमन बींग्स। लेकिन एक कंप्यूटर जो होता है मानव के द्वारा दिए हुए निर्देशानुसार काम करता है। ब्रेन स्टॉर्मर। इस लेसन से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन हम आज लाए हैं, जिस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए और इसको लिख करके इसको अपनी सहायता से अपने से बनाने की कोशिश करें और इसे शेयर करें। हाउ फर्स्ट है, हाउ इज ए कंप्यूटर हेल्पफुल टू अस, यानी कंप्यूटर हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। राइट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विच आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज, यानी आपको यहाँ पर कंप्यूटर के डिफरेंट शेप्स और साइज को के बारे में लिखना है, वैसे कौन कौन सा कंप्यूटर है, उसका शेप क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय नोटबुक, नोटबुक क्या होता है। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी थ्री डिफरेंट बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए मैन। कंप्यूटर और मानव के बीच तीन डिफरेंस को आपको लिखना है। व्हाट डज ए कंप्यूटर नीड टू वर्क, कंप्यूटर किसी काम को कैसे करता है, इसको आपको लिखना है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इस यहाँ पर कुछ बॉक्स में ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जिसको देख करके आपको
फिलअप करना है। फर्स्ट है फॉर्म टॉप कंप्यूटर इज स्मॉलर देन डैश, ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको देख करके आपको फिलअप करना है। ए लैपटॉप इज आल्सो कॉल्ड ए डैश कंप्यूटर, ए मैन कैन वर्क विदाउट डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है डैश इज सुपीरियर देन कंप्यूटर। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स, आपको सेंटेंस को पढ़ना है और यह बताना है कि उसमें से सेंटेंस कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट है पॉम्पटॉप कंप्यूटर इज बिगर देन ए लैपटॉप, सेकेंड डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड ए नोटबुक कंप्यूटर, थर्ड ए मैन कैन वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ ए कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, फिफ्थ ए कंप्यूटर वर्क्स विद एक्यूरेसी। नोट राइट द आंसर एंड डू फेयर, इस सारे क्वेश्चंस का आंसर दें और इसे फेयर करें। और मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फिर से मिलूंगा। धन्यवाद।